नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल JD कंप्यूटर में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम जब भी हाजिर होते हैं एक और न्यू लेटेस्ट जानकारी लेकर हाजिर होते हैं। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही लेटेस्ट जानकारी लेकर आए हैं। यदि दोस्तों आदि आप SSC में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन राज्य आयोग वाले में आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, आपकी GK स्ट्रॉन्ग है, आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, या फिर आप शुरू से ही SSC के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों चलिए आज हम आपको SSC का पूरा कैलेंडर बताते हैं 2019 का, कि किस किस डेट में आपके फॉर्म भरे जाना है, किस डेट में आपको ये जानकारी आना है। चलिए दोस्तों, तो देख लेते हैं पूरे साल भर का SSC का, जो SSC 2019 का जो कैलेंडर है, पूरे साल भर का कैलेंडर देख लीजिए, संपूर्ण जानकारी देख लीजिए और हो जाइए तैयार। जो भी आप जानकारी चाहते हैं, किस बेस पर 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BE, BTEC, ME, MTEC, जो भी है, सारी एजुकेशन, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह अभी मिल जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के बटन को भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हम जो भी नया वीडियो बनाए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, तो देख लेते हैं न्यू जानकारी में क्या है, किस तरीके से आपकी पोस्टें हैं, कब कब आपकी पोस्टें आने हैं। तो देखिए दोस्तों, ये देख लीजिए दोस्तों, आपका ये नोटिफिकेशन है, SSC 2019 का नोटिफिकेशन है। चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन में। सबसे पहले ये 13/11/18 का है, ये तो डेट जो मल्टीटास्किंग की थी वो डेट निकल चुकी है, तो अभी तो ऐसी कोई जानकारी में नहीं है मल्टीटास्किंग का। आगे जो होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल में 2019 में देख लीजिए, सबसे पहले 5 मार्च 2019 का देख लीजिए दोस्तों, ये आपका आना है कंबाइंड हाई सेकेंडरी लेवल का है। ये आपका हाई सेकेंडरी लेवल 10-2, जिसको अपन CHSL कहते हैं, ये आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 5 अप्रैल है, और 5 मार्च से ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी जानकारी, इसमें एजुकेशन, वो आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, 22 देख लीजिए, 22 अप्रैल 2019 से जो भरे जाना है वो MTS के मल्टीटास्किंग के जो फॉर्म भरे जाना है वो 22 अप्रैल 2019 से भरे जाना स्टार्ट है, और जिसकी लास्ट डेट आपकी 22 मई 2019 है। दोस्तों ये पूरा SSC का कैलेंडर है, 2019 का कैलेंडर है, SSC 2019। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, ये देखिए आप 8 जुलाई 2019 से जो एग्ज़ाम स्टार्ट होना है वो एग्ज़ाम ऑफ सिलेक्शन पोस्ट ऑफ ग्रेड 7th, ये आगे चल के देखते हैं इसमें और क्या है। 27 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 27 जुलाई तक ये लास्ट डेट है, ये फॉर्म भरे जाना है 27 जुलाई 2019 तक, फॉर्म स्टार्ट की डेट है जो 8 जुलाई से रहेगी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ये देखिए 1/8/2019 कंबाइंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर सबऑर्डिनेट ऑफिसर हिंदी प्राध्यापक 2019 पेपर फर्स्ट है, ये जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट हैं। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 8/1 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, इसमें देखिए आप 17 सितंबर 2019 को जो पोस्टें आने वाली हैं वो हैं CRPF, SF, CISF, दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन की है ये डेट, पेपर फर्स्ट की है, टायर वन की पेपर की है ये डेट, देखिए दोस्तों। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 15 अक्टूबर 2019 लास्ट डेट रहेगी इसकी। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों, ये है आपका 17 सितंबर 2019 से लेकर स्टार्टिंग होना है स्टेनोग्राफर CUND, जो अभी 5 और 6 तारीख को पेपर हो चुके हैं, 5, 6, 7, 8 तारीख को पेपर हो चुके हैं, ये दोबारा से स्टेनोग्राफर CUND की जो पोस्टें आएंगी, जिसकी स्टार्टिंग डेट है 17 सितंबर से 15 अक्टूबर तक, ये लास्ट डेट रहेगी। दोस्तों तैयार हो जाइए, अपनी अपनी तैयारी जारी रखें आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, आगे ये देखिए दोस्तों, 1 अगस्त 2019 को ये देखिए स्टार्टिंग है आपका जूनियर इंजीनियर, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वाले हैं,
चलिए देख लेते हैं इसको। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 28 अगस्त 2019 लास्ट डेट रहेगी। आगे देखते हैं दोबारा से, ये देखिए 31 अक्टूबर 2019 से जो फॉर्म भरे जाना है वो कंबाइंड ग्रेजुएट सीजीएल है, जो सीजीएल के फॉर्म भरे जाना है, और लास्ट डेट इसकी रहेगी 28 नवंबर 2019। और दोस्तों जो लास्ट में है वो है 12/12/2019, 12 दिसंबर से जो फॉर्म भरे जाएंगे वो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीजीएल के जो सीएचएसएल है उसके फिर से फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों। तो ये देख लीजिए कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जिसकी लास्ट डेट रहेगी 10 जनवरी 2020। दोस्तों ये पूरे साल भर का कैलेंडर है, आप देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए पूरा कैलेंडर साल भर का है। और जो भी जानकारी है इसकी, नेक्स्ट जो जानकारी है एजुकेशन क्या मांगते हैं, क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं, हम उस पर भी चलते हैं। तो चलिए देखते हैं ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है। चलिए दोस्तों तो देख लेते हैं ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सबसे पहले देख लीजिए एमटीएस मल्टीटास्किंग की जो है ग्रुप डी की पोस्ट कहलाती है एमटीएस की। इसमें देखिए आपका जो वेतनमान है जो 5,200 से 20,200 प्लस 1,800 ग्रेड पे है। इसमें दोस्तों 10वीं पास आउट मांगते हैं। साथ में देखिए संयुक्त हायर सेकेंडरी सीजीएल की पोस्ट है जिसमें पोस्टों के जो नाम आते हैं वो क्लर्क है, स्टोर कीपर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है। इसमें भी दोस्तों देखिए 5,200 से 20,200 प्लस 1,900 का ग्रेड पे होता है, लेकिन दोस्तों देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर में ये 2,400 का ग्रेड पे मिलता है। इसमें सारी चीज़ों में क्लर्क में, स्टोर कीपर में, डाटा एंट्री ऑपरेटर में 12वीं पास आउट मांगते हैं। देखिए दोस्तों ये सी एच एस एल है जो पोस्ट है, मैंने आपको पहले बताई थी उसी का ये डिस्क्रिप्शन है कि आपको क्या मांगा है, इसका नाम क्या है, योग्यता क्या है, वेतनमान क्या है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों असुलिपिक स्टेनोग्राफर सी ओ एन डी की जो पोस्ट थी गावर घावाली, इसमें देखिए दोस्तों 5,200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे इसका 2,400 है। इसमें भी 12वीं मांगते हैं प्लस स्टेनो मांगते हैं, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपके पास है प्लस टाइपिंग मांगेंगे। जब नोटिफिकेशन आएगा इसमें पूरी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। ये देखिए जो सी जी एल है दोस्तों ये है, इसमें हर एक डिपार्टमेंट है, केंद्रीय सचिवालय, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रेल मंत्रालय, बहुत सारे मंत्रालय हैं। जो इनका जो पे बैंड है, पे स्केल है वो 9,300 से 34,800 प्लस 4,600 ग्रेड पे है। इसमें एजुकेशन जो मांगते हैं वो स्नातक मांगते हैं किसी भी सब्जेक्ट से। चलिए आगे देखते हैं इसी में, देखिए आप ये हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग है, 4,600 ग्रेड पे भी है, इसमें 4,200 ग्रेड पे भी है, सब में स्नातक मांगते हैं। आगे देखिए ये लेखापाल है, लेखाकार है, लेखा परीक्षक है, डाक निरीक्षक है। भारत भर में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं सेकेंड ग्रेड रैंक अधिकारी के वो एसएससी सीजीएल से ही जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और। ये देखिए ये है आपका कनिष्क अभियंता एसएससी जेई की, जिसमें सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए है। इसमें देखिए वेतनमान, देखिए इसमें वेतन देखिए आप ये 9,300 से 34,800 प्लस 4,200 ग्रेड पे है। इसमें बी या बीटेक मांगी जाती है या डिप्लोमा इन पॉलिटेक्निक मांगा जाता है जिसका सिविल से, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से होता है। चलिए देख लेते हैं कनिष्क हिंदी अनुवादक परीक्षा ट्रांसलेटर। कनिष्क अनुवादक में देखिए दोस्तों ये इसका जो पे स्केल है, ग्रेड पे है वो आपका 9,300 से लेके 4,200 ग्रेड पे है दोस्तों। इसमें इसमें जो भी है स्नातक मांगते हैं, स्नातक में हिंदी या स्नातकोत्तर में अंग्रेजी अथवा स्नातक में अंग्रेजी और एवं स्नातकोत्तर में हिंदी, ग्रेजुएशन में बीए वो हिंदी होना चाहिए बीए बीएससी में, और इंग्लिश स्नातक होना चाहिए, लिटरेचर होना चाहिए उनके लिए है ये। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं सीआईएसएफ में, देखिए केंद्रीय पुलिस संगठन उपनिरीक्षक की जो पोस्टें आती हैं उसमें देखिए सीआरपीएफ, एसएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी में उपनिरीक्षक की जो पोस्टें आती हैं उसमें देखिए 9,300 से 34,800 प्लस 4,200 ग्रेड पे है। और इसमें जो एजुकेशन मांगते हैं वो स्नातक किसी भी विषय से होना चाहिए। लास्ट है, लास्ट में देखिए दोस्तों केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एवं सहायक उपनिरीक्षक की भर्ती, इसके अंतर्गत देखिए सहायक उपनिरीक्षक की भर्ती जो आती है, जो पोस्टें आती है उसमें देखिए 5,200 से 20,200 प्लस 2,800 ग्रेड पे है। इसमें देखिए जो एजुकेशन मांगी है वो स्नातक मांगी है।
और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम जो भी पोस्ट निकालते हैं, जो भी जानकारी निकालते हैं, जो भी वीडियो बनाते हैं, वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। SSC का पूरा नोटिफिकेशन, पूरी डिटेल्स, पूरी साल भर का कैलेंडर हमने आपके लिए बताया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि सारे लोगों के लिए।